आपको धमकियां आई? हाँ जी, वहाँ धमकियाँ आई थी, मुझे बलात्कार की धमकी दी गई थी, मेरी फेसबुक पर लिखी थी और फिर मैं कंप्लेंट करने गई थी। गए आज तक नहीं ढूंढ पाई कि वो इंसान कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। अगर मैं अभी प्रधानमंत्री जी को गाली दे दूँ, शाम तक मेरे घर का एड्रेस ढूंढ के मेरे घर पुलिस पहुँच जाएगी, तो क्या इज्जत सिर्फ नेताओं की होती है? आम इंसान की कोई इज्जत नहीं होती? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम किसी की बेटी नहीं है क्या? इनकी औकात ही कहा किसानों के सामने, ये कायर है, कायर बहुत डरपोक है, ये सिर्फ पुलिस प्रशासन के सहारे जिंदा हैं, इनका पेशाब निकल जाए अगर आज वो किसानों के सामने आ जाए तो। पहले ये जवानों को शहीद करवाते हैं, फिर उन्हीं की शहीदी पे ये वोट मांगते हैं, इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। किसान डरता नहीं है, ना गोली से डरता है, ना वो मरने से डरता है। जिंदगी सबको प्यारी है, जिंदगी हमें भी प्यारी है, हम भी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत छोटी जिंदगी होती है, लेकिन कायर की जिंदगी जीना हमें पसंद नहीं है। इन तानाशाही सरकार की गुलाम बन के हमने नहीं जीना है। तुसी जुड़े हो अखर दे नाल ते मैं हाँ नवरीत सिविया करनाल खड़े हाँ, तो इत्थे इक बीबी हुणे भाषण दे के हटे आ, उन्हां दा भाषण बहुत कुछ सुन समझण दे लई जरूरी है। सत श्री अकाल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और पिछले 9 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर पे हूँ। 9 महीने तो? हाँ जी 9 महीने से। इससे पहले भी आपने एक अनशन किया था, एक ढंग की एक मतलब टाइम पी खाना खाया था? हाँ जी, वो हमारा जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर, वन रैंक वन पेंशन, उसमें मैंने 810 दिन करीब करीब 2.5 साल के करीब मैंने रिले हैंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें सुबह चाय पी के मंच पे बैठ जाते थे, सारा दिन पानी पी सकते थे और शाम को 5 बजे मंच से उतर के रात को घर जाके खाना खाते थे। तो होली दिवाली दशहरा जितने भी त्यौहार आए, 3 करवा चौथ आए जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पीनी थी, तब भी हम वहीं मंच पर बैठे होते थे। और उसके बाद 11 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया, 2 हवलदार मेरे साथ थे भूख हड़ताल पे, तो हम पानी पानी पी रहे थे। 8वें दिन मैं बेहोश हो गई जंतर मंतर पे ही, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में 4 दिन इमरजेंसी में रखा गया था। पर इन सब के बावजूद आपको धमकियां आई? हाँ जी, वहाँ धमकियां आई थी, मुझे बलात्कार की धमकी दी गई थी, मेरी फेसबुक पर लिखी थी और फिर मैं कंप्लेंट करने गई थी, तो करीब 14 महीने तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। 14 महीने के बाद दोबारा सेम ऐसी बातें फिर लिखी गई, बहुत ही गंदी बातें लिखी गई थी कि मोदी ORP नहीं देगा, वन रैंक वन पेंशन नहीं देगा, मोदी का ये ले लो, मोदी सुदेश के साथ ये करेगा वो करेगा, बहुत कुछ था जो मैं कैमरे पर नहीं बता सकती। उसके बाद मैं महिला आयोग गई, दिल्ली महिला आयोग गई, साइबर क्राइम गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरी 14 महीने पहले कंप्लेंट की थी, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। दोनों साइड से दबाव पड़ा तब मेरी FIR दर्ज हुई और अभी 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली में केस चल रहा है। आज तक सरकार ढूंढ नहीं पाई उस इंसान को, डिजिटल इंडिया बोलते हैं, 3-4 साल हो गए, आज तक नहीं ढूंढ पाई कि वो इंसान कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। अगर मैं अभी प्रधानमंत्री जी को गाली दे दूँ, शाम तक मेरे घर का एड्रेस ढूंढ के मेरे घर पुलिस पहुँच जाएगी, तो क्या इज्जत सिर्फ नेताओं की होती है? आम इंसान की कोई इज्जत नहीं होती? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम किसी की बेटी नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं, इज्जत हर किसी की है, चाहे कोई भी है, पर आपका तो सरकार से मतलब आप पहले से ही संघर्ष कर रहे हो, आपको तो तजर्बा भी है इस बात का, कैसी है सरकार, मानेगी इस क्या ये? क्योंकि अभी तो पब्लिक प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, रोकने की तो तैयारी कल भी थी ना कि रोक लेंगे, पर वो रोक नहीं पाए लोग। अभी किसान रुकने वाला नहीं है, किसान तूफान बन चुका है। किसान को समझ में आ गया कि अपनी नस्ल फसल बचाने के लिए हमें एकता दिखानी होगी और अपने आंदोलन को जारी रखना होगा। सरकार बहुत हट पे अड़ी हुई है, लेकिन हम तो अपने वजूद को बचाने के लिए, नस्ल और फसल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो किसान पीछे हटने वाला नहीं है। एक ना बात, तो जो मोदी सरकार जब से आई है, ये सरकार आई है, हर वक्त होती है, कुछ भी आप आलोचना करते हो तो वो बोलते हैं हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। आप तो खुद आर्मी ऑफिसर की आप है ना पत्नी हो, आप कैसे देखते हो, कोई जवानों की फिक्र है सच में इतनी ज़्यादा कि वैसे ही मतलब बोलने? खुल के ना कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब पुलवामा हुआ था ना, सरकार की नाकामियाँ थी, या ये भी कह सकते हैं कि सीधी इनकी मिली भगत थी। इंटेलिजेंस की खबर आ गई थी कि हमला होने वाला है, हवाई जहाज से जवानों को भेजा जाए, क्यों इन्होंने हवाई जहाज का रास्ता क्यों नहीं दिया, क्यों उसी रास्ते से भेजा, और 300 क्विंटल
RDX वहाँ से निकल रही है दिल्ली के, मतलब कैंट में मैं इतने साल रही हूँ, कैंट में परिंदा पैर नहीं मार सकता किसी इजाज़त के बिना, और वहाँ 2500 सैनिक जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ 300 क्विंटल लेके एक बड़ी गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है, तो ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। पहले ये जवानों को शहीद करवाते हैं, फिर उन्हीं की शहीदी पे ये वोट मांगते हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो ये बात करते किसानों को देशद्रोही बोलने की, सबसे बड़े देशद्रोही सरकार में, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं। एक हम तो पंजाब से हैं, है ना, बिल्कुल साथ में हैं। चलो पंजाबियों पर तो उन्होंने इल्ज़ाम लाया, खट्टर साहब ने लगाया कि मतलब ये एजिटेशन कर रहे हैं। वो बार बार एक बात बोलते थे, पहले बोलते थे ज़्यादा, कि हरियाणा के तो किसान ही नहीं हैं। फिर उन्होंने बोला हरियाणा के कुछ किसान हैं जी अब तो, है ना, मतलब हरियाणा के किसान क्यों नहीं देखते, वो भी CM है। CM को तो पंजाब में एक CM हुआ करते थे, वो कहते थे हमें तो चीटी भी ऐसे चलती दिख जाती। तो आप खट्टर साहब से कभी मिलें, उनसे पूछना कि आपका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था, पंजाब के किसान आए थे या यूपी के आए थे या राजस्थान के, एक बार ये पूछ लेना। इसीलिए नहीं दिखा। चौटाला से भी पूछ लेना कि उनको हेलीकॉप्टर हमने हिसार में लैंड नहीं होने दिया था, उनको रोकने के लिए पंजाब के किसान आए थे, राजस्थान के आए थे, कहाँ के आए थे। अगर हरियाणा के किसान तो आंदोलन में है ही नहीं, लेकिन उनके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हमने कहीं भी लैंड नहीं होने दिए गए, तो कहाँ। आज तक दुष्यंत चौटाला जब से आंदोलन शुरू हुआ है सिरसा उसकी कोठी में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अपने आप को डिप्टी CM बोलने वाला, उसकी औकात नहीं है अपने घर में घुसने की। और जिस दिन हिसार में आना था, हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, फिर उसको अपनी कोठी में जाना था हिसार में, हम उसकी कोठी के आगे बैठे थे, उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, वो अपने घर में नहीं घुस पाया। इनकी औकात ही कहा किसानों के सामने, ये कायर हैं, कायर बहुत डरपोक हैं, ये सिर्फ पुलिस प्रशासन के सहारे जिंदा हैं। इनका पेशाब निकल जाए अगर आज वो किसानों के सामने आ जाएं तो। अंबाला में देखा होगा हमने खट्टर की हालत क्या हो गई थी कार में, जब किसानों ने उनकी कार घेर ली थी। तो किसान डरता नहीं है, ना गोली से डरता है, ना वो मरने से डरता है। ज़िंदगी सबको प्यारी है, ज़िंदगी हमें भी प्यारी है, हम भी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत छोटी ज़िंदगी होती है, लेकिन कायर की ज़िंदगी जीना हमें पसंद नहीं है। इन तानाशाही सरकार की गुलाम बन के हमने नहीं जीना है। हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर आवाज़ उठाते हुए हमारी जान भी चली जाए तो उसकी हमें परवाह नहीं। हमें पता है हम आंदोलन में आए हैं, हमारे ऊपर डंडे भी बरसेंगे। हमने 6-7 साल हो गए आंदोलन से जुड़े हुए, जंतर मंतर पे बहुत बार डंडे भी खाए हैं, और आंसू गैस के गोले जब छोड़ते हैं ना हमारे ऊपर, एक दो नहीं, एक इधर गिर रहा है, एक इधर, थोड़ी देर के लिए लगता कि सांस रुक गई, शायद हम थोड़ी देर ही जिंदा रहेंगे, ऐसी हालत हो जाती है। आँखों में पूरे चेहरे पर जलन होती है, तो हमें उसकी आदत पड़ गई है। हाँ, गोली मैंने खाई नहीं है अभी तक, तो गोली के लिए तैयार हैं, उससे डरते नहीं हैं। जो संघर्ष करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो घरों से निकल आए, वो इनकी ना तो इनकी धमकियों से डरते, ना आंसू गैस के गोलों से, ना डंडे से, ना जेल जाने से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप, धन्यवाद जी। सो ये बीबी हरियाणा तो सी जिन्हों के नाल आप गलबात कर रहे थे, तुम जुड़े रहो जी अखर के नाल, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।